हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक चमत्कारी मंदिर दिखाने वाला हूं, जो कि बुटाटी धाम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मीराबाई का मंदिर दिखाया था, तो उस मंदिर से करीबन 30 किलोमीटर दूर ये बुटाटी धाम है, जहां पर 7 दिनों के अंदर कोई भी लकवा यानी कि वो कोई बीमारी होती है जिन्हें चल नहीं पाते, तो वो यहाँ पर 7 दिनों के अंदर तैयार होकर घर जाते हैं लोग। तो कैसा मंदिर है वो आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं हूँ बस स्टेशन पे, तो यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ वो धाम है, तो उस धाम पर आपको लेकर चलूंगा और क्या कुछ वहाँ पर सीन रहता है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं धाम की तरफ। तो दोस्तों, ये है श्री चतुर्दास जी महाराज का मंदिर बुटाटी धाम। तो मंदिर का मार्ग है ये और इस तरफ हम चलने वाले हैं, और ये है यहाँ पर मेड़ता की रोड और इस तरफ हम चल लेंगे। दोस्तों, यहाँ की जो छगनियाँ आती हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये खेती में काम में ली जाती हैं। तो ये जो है यहाँ के काफी ज्यादा फेमस है, छगनियाँ चौगनियाँ इस नाम से जो है यहाँ पर कहा जाता है इन्हें। और इस तरफ है मंदिर। दोस्तों, अभी मैं जिस गली से आया था, इतनी बदबू थी उस जगह पर, पूछो मत। पूरी गली में जो है चर्बी लटक रही थी और उन्हीं का काम चल रहा था, पूरी चर्बी का। तो अभी जो है मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो जो है लिफ्ट मिल गई थी, अब हम जो है मंदिर के जस्ट पास पहुँच गए हैं। तो यह है मंदिर का रास्ता और जस्ट सामने है वो मंदिर चतुर्दास जी महाराज का। आपको अंदर से भी वो मंदिर दिखाता हूँ भाई, किस तरह से जो है वहाँ पर विकलांग लोग आते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है प्रसाद की दुकानें हैं। दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जस्ट मंदिर के पास, और यहाँ पर जो है आवाज मेरी नहीं आएगी। और ये है मंदिर, और भीड़ भी आज काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है लोग 7 दिन तक इसी जगह पर रहते हैं, और यहाँ पर जो है 7 दिन फेरे देते हैं, और उनकी जो बीमारी होती है जिसे सामान्य हमारे यहाँ पर लकवा कहते हैं, वो सही हो जाती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो आपको भी अंदर लेकर चलते हैं भाई, कैसे हैं। अभी शायद कोई काम चल रहा है यहाँ पे। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। और सामने आपको हॉल दिखाई दे रहा होगा, उस हॉल में जो है सारे बीमारी से ग्रसित लोग ही हैं, जो कि यहाँ पर 7 दिनों के लिए रुके हुए हैं। और सामने अब मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मंदिर, जस्ट सामने मंदिर है चतुर्दास जी महाराज का। बस यहाँ पर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको व्हील चेयर जो है देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है ज्योत 24 घंटे चलती है। अभी यहाँ पर है, पहले जो है यहाँ पर थे शायद, ये यहाँ पर कोई काम चल रहा है शायद, जो कि अभी यहाँ पर की गई है। ये है चतुर्दास जी महाराज का मंदिर। तो दोस्तों, दर्शन करके जो है मैं आ गया हूँ वापस बाहर, और यही कुछ यहाँ का मंदिर है। उस हॉल में लोग रहते हैं, और यहाँ पे भी जो है लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि केवल और केवल 7 दिनों के लिए यहाँ पर रुके हैं। यह मंदिर करीबन 38 या 40 किलोमीटर दूर है राजस्थान के नागौर जिले से, और यहाँ पर बाहर से फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं, कोई बीमारी हो तो यहाँ पर जो है हॉल में लोग रहते हैं। सामने वाले हॉल में भी है, उस साइड में पूरा हॉल बनाया गया है लोगों के रहने के लिए। तो दोस्तों, ये आप देख पाओगे, और ये मंदिर है भाई साहब। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ का मंदिर दिखा दिया है, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना हमारे चैनल को,
और सब्सक्राइब भी कर देना। मिले हम एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।